दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए फिर से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 1,52,889 करोड़ का है, स्टॉक पी 15.1, ROC 11.2%, ROE 10.1%, बुक वैल्यू 472 रुपया, जबकि करेंट प्राइस 680 रुपया। बुक वैल्यू से ऊपर में ये शेयर अभी ट्रेड कर रही है। 52 का हाई लो 715 रुपया और 407 रुपया। डिविडेंड यील्ड 0.44%, फेस वैल्यू 1 रुपया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानते हैं थोड़ा। 1958 में निर्मित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदित्य बिरला समूह की एक प्रमुख कंपनी है। कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां मुख्य रूप से एल्युमिनियम और कॉपर के उत्पादन में लगी हुई है। इस शेयर में लास्ट अपडेटेड न्यूज 7 जून 2024 का है, जो कि सब्जेक्ट है इंटीमेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टर मीटिंग्स एट एंटिक कॉन्फ्रेंस टू बी अटेंडेड बाई हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द कंपनी ऑन June 14, 2024। इसमें जो खास न्यूज है, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 के अनुसार 14 जून 2024 को ट्राइडेंट मुंबई में एंटिक कॉन्फ्रेंस में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने के लिए समूह बैठक में निवेशकों की सूचना और सूची दी गई है। तो इस तरीके का है कंपनी का नाम या इन्वेस्टरों का, जो कि एक्सिस पेंशन फंड, वेलवेदर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रो म्यूचुअल फंड, SBI पेंशन, सोहम AMC, यूनिवर्सल सोमपो, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन और गी की वेंचर्स। जैसा कि नीचे में नोट में दिया गया है, उपरोक्त बैठक के कार्यक्रम में निवेशक कंपनी की ओर से अत्यावश्यकताओं के कारण परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ये बैठक के डेट में परिवर्तन हो सकता है इन दोनों के वजह से, यानी कि इन दोनों के अत्यावश्यकताओं कारणों के वजह से। आगे है, कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त निवेशक बातचीत के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा करने का प्रस्ताव नहीं है। यह आगे सूचित किया जाता है कि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2024 आय प्रस्तुति और निवेशक दिवस 2023 दिनांक 4 अप्रैल 2023 की नवीनतम निवेशक प्रस्तुतियों की प्रति निवेशकों के सामने रखी जानी है और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो कंपनी का वेबसाइट है www.hindalco.com। ये न्यूज इस शेयर के लिए, यानी कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। जैसा कि आपको 1 ईयर का प्राइस चार्ट दिख रहा होगा, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि अप एंड डाउन करते हुए ये लगभग कुछ ही दिनों में 750 को पार कर जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। इसमें पेशेवरों और दोस्त, पेशेवरों कुछ भी नहीं और दोष एक है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 13.0% रहा है। पीयर कंपैरिजन के मामले में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, उसमें बता चुका हूँ कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंबर 1 कंपनी है इस क्षेत्र का, एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में कार्य करने वाली ये कंपनी है।
जिसका कि PE 15.08 का है अभी भी, और कंपनी का देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे अधिक ही PE है। तो इसका प्राइस अभी भी ऊपर जाने की उम्मीद रखा जा सकता है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2024 के अनुसार, जिसमें कि अर्निंग पर शेयर 14.12 रुपया, काफ़ी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आया है, यह भी इफेक्ट डालेगा इस शेयर के प्राइस पे कुछ ही दिनों में। और प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2024 के अनुसार यानी कि ईयरली अगर देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, बट EPS नाम मात्र का प्रोग्रेस हुआ है जो कि 44.93 रुपये से बढ़कर के 45.19 रुपये हो गया है। ईयरली बेसिस पर कुछ खास नहीं है प्रोग्रेस, बट क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इसका प्रोडक्ट है उस क्षेत्र के अनुसार, तो फ्यूचर इसमें बनाया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर में पैसा बन सकता है अच्छी खासी मेरे आइडिया अनुसार, क्योंकि ये प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर शो कर रही है, यानी कि दिखा रही है जैसा कि आपको इस वेबसाइट पर दिख रहा है। और ऐसे मार्च 2024 के अनुसार इसके पास में बैलेंस शीट जो है देख सकते हैं, रिजर्व में इसके पास में 1,05,924 करोड़ का है, ब्रोइंग बहुत ही कम है, उसका लगभग लगभग 50% से थोड़ा सा ऊपर है जो कि 56,356 करोड़ का है। बट इसके पास में फिक्स एसेट भी 1,12,034 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा इसके पास में फिक्स एसेट भी है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के अनुसार, लेकिन बहुत अच्छा है। 15,444 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टोटल एसेट इसके पास में 2,31,907 करोड़ का हो चुका है। ये पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हुआ है इसका टोटल एसेट। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मार्च 2024 के अनुसार, प्रमोटर के पास में 34.65% का है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, प्रमोटर के पास में 34.65% यानी कि कम भी नहीं है। इसमें FIs का भी होल्डिंग है काफ़ी अच्छा जो कि 26.82% का है, और DIs के पास में भी लगभग लगभग सेम ही है जो कि 25.64% का है, और गवर्नमेंट के पास में पॉइंट में है 0.35%, और पब्लिक के पास में न के बराबर, यानी कि बहुत कम पब्लिक के पास में ही है 12.08%, और अदर के पास में तो पॉइंट में है जो कि 0.46% है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स के मामले में दिसंबर 2023 की अपेक्षा मार्च 2024 में इन्वेस्टरों का रुझान इस शेयर के प्रति काफ़ी अच्छा बढ़ा है देखा गया है, जो कि इस वेबसाइट पर दिख रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फाउंडेड 1958, हेडक्वार्टर मुंबई, एम्प्लाइयों की संख्या इसमें 22,666 2023 के अनुसार, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप। रिवेन्यू इसके पास में 2.24 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में है, और सब्सिडियरीज नोवेलिस, उत्कल एलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड और भी है आगे। अब एक नज़र डालते हैं NSEIndia.com वेबसाइट के नाम है इस पर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखते हैं, तो इसका शेयर प्राइस 680.20 रुपया शो हो रहा है, और ऑर्डर में अभी भी बाई क्वांटिटी लगा हुआ है 826 का जो कि 680.35 रुपया पे, बट सेल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। और फाइनेंशियल रिजल्ट 31 मार्च 2024 का जो टोटल इनकम है 22,319 करोड़,
नेट प्रॉफिट 1412 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बता रहा है 6.36 रुपया। अब एक झलक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का BSEIndia.com वेबसाइट पे, जैसा कि शेयर प्राइस 680.25 रुपया, 7 जून 2024 16:00 बजे का अपडेट है। जैसा कि न्यूज है 31/5/2024 का है, कंप्लायंस रिगार्डिंग 39(3) डिटेल ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इस तरीके का न्यूज है जो कि इस पे इस वेबसाइट पे शो हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसका डिलीवरी पोजीशन जैसा कि 7 जून 2024 के अनुसार 16:00 बजे का अपडेट है, क्वान्टिटी ट्रेडेड 1,81,671, डिलीवरी क्वान्टिटी 89,207 और परसेंटेज रहा 49.10%, जो कि काफ़ी अच्छा है ऐसे स्टॉक के लिए और ऐसे टाइम के लिए। ओवरऑल सारांश निकालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस शेयर में कुछ ही दिनों में फिर से अप ट्रेंड होगी, जो कि लगभग 750 के टारगेट को पार कर जाएगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।